जय श्री कृष्णा। क्या समाचार है भाई? बढ़िया है आप लोग। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे घिसता हुआ जा रहा है, तो वो वाला फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन था। इस बार हम लोग वो वाला फ्रिक्शन पढ़ेंगे जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोजिशन है। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में तो मोशन सच में होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसके अंदर रिलेटिव मोशन जो होती है उसकी टेंडेंसी का अपोजिशन करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन हिंदी में इसका नाम है स्थैतिक घर्षण। हिंदी में स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली जब भी कोई सरफेस एक दूसरे सरफेस के रिलेटिव रिस्पेक्ट में मूव करने जाता है या करने की कोशिश करता है, तो उसकी टेंडेंसी को अपोज करने का, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का जो अपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दिस फ्रिक्शन अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। कोई भी दो सर्फेसेस जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच रिलेटिव मोशन का जो प्रयास है, उसकी जो कोशिश है, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये काफी मतलब अलग तरह का होता है, और ज्यादातर जो अच्छे सवाल बनते हैं उसमें इसी स्टैटिक फ्रिक्शन में बच्चे गलती करते हैं। क्योंकि मतलब कहते हैं ना, ये एक जैसे बड़ा जैसे अलग तरह की चीज है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स आती थी म्यू के इनटू एन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो, मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कि ये कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी करती है। मैं एक आपको एग्जाम्पल लेता हूं समझाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को, कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर एक कोई बहुत बड़ी सी चट्टान रखी है, मान लो 10,000 किलो की चट्टान है। 10,000 किलो की चट्टान है, बिल्कुल आप जा रहे थे, आपने देखा एक 10,000 किलो की चट्टान पड़ी है। तो आप मान लीजिए आपको लगता है कि आपने काफी पहलवानी करके और खूब बढ़िया से अपना जो है मतलब शरीर बनाया हुआ, ताकत बनाई हुई है, तो आप चाहते हैं कि 10,000 किलो की चट्टान को आप धक्का दे के खिसका दें। 10,000 किलो की चट्टान है, आपको लग रहा है कि सामने जो है आपके दोस्त दोस्त भी हैं, तो आप ये चाह रहे हो कि 10,000 किलो की चट्टान को आप धक्का दे के खिसका दो। मान लो इसको धक्का देने के लिए आपने एफ फोर्स लगाया, बहुत भारी चट्टान है, डबल बेड तो मान लो 500 किलो का भी नहीं होता होगा। 10,000 किलो की चट्टान जमीन पर रखी हुई, और आपने सोचा कि आज मैं इसको खिसका दूंगा। तो इसको खिसकाने के लिए आपने मान लीजिए कि फोर्स कैपिटल एफ लगाया, और शुरू में तो आदमी अंदाजा लगाता है कि भाई क्या है कैसे है। तो मान लीजिए कि आपने जो फोर्स लगाया, वो जो फोर्स लगा वो 1 न्यूटन का लगा, बस अंदाजे के छूने के हिसाब से कि चलो देखते हैं क्या है हिसाब। तो आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 1 न्यूटन का अगर आपने फोर्स लगाया तो ये चट्टान चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ, ऑब्वियसली नहीं चलेगी भाई। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, जरा सा फोर्स लगाओगे, तो नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी तो कौन चलने से इसको रोक रहा है? इसको चलने से जो रोक रहा है वो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स ही होगा, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो भी 1 न्यूटन के बराबर ही आएगा। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन से ज्यादा आ गया, मान लो ऐसे सोचो कि ज्यादा आ गया तो जादू हो जाएगा। क्या जादू होगा? फोर्स आप इधर लगाओगे चट्टान इधर भागेगी, क्योंकि इधर का फोर्स बड़ा हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे फोर्स लगाओ चट्टान इधर भागने लगे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 1 न्यूटन से ज्यादा तो कम भी नहीं हो सकता। कम होगा तो ये चल पड़ेगी चट्टान। मान लो आपने एक इधर लगाया, इधर आधा ही लगा, भूल से इसने कम लगाया, चट्टान ने गलती से कम लगा दिया, आधा ही न्यूटन लगाया, तो ये चल पड़ेगा, जबकि हमें पता है कि नहीं चल रहा है। यानी कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये चट्टान नहीं चलेगी, इसका एक्सेलेशन 0 होगा और फ्रिक्शन 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब मान लो आपको लगा नहीं, 1 न्यूटन से काम नहीं चलेगा, बेइज्जती हो रही है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा ताकत से फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाया, थोड़ा दम बढ़ाया, दम आपने बढ़ाया 10 न्यूटन, तो ऑब्वियसली अभी भी नहीं चलेगी। 10-20 न्यूटन से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नहीं चलेगी। तो नहीं चलेगी तो अब इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन रोकेगा। वो जो फ्रिक्शन होगा वो कितना लगेगा इसके ऊपर? क्योंकि आप फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 न्यूटन।
ना 10 से रत्ती भर कम होगी ना 10 से रत्ती भर ज्यादा होगी। जरा सा भी कम नहीं हो सकती, जरा सा भी ज्यादा नहीं हो सकती। कारण यही है कि भाई अगर ज्यादा हो गया फ्रिक्शन 10 न्यूटन से तो उल्टा भागेगी चट्टान, और अगर कम हो गया तो आगे बढ़ जाएगी। तो ना अब मान लो कि जैसे बढ़ाते बढ़ाते आपने 100 न्यूटन कर दिया, आपने जो फोर्स बढ़ाया 100 न्यूटन हो गया तो नहीं चली चट्टान, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 100 न्यूटन होगा। तो अब ध्यान से देखें, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये अपने आप को, देखिए पहले 1 न्यूटन लग रहा था, फिर 10 लगने लगा, फिर 100 लगने लगा। अगर आप ये कैपिटल एफ हटा दो तो फ्रिक्शन 0 लगने लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है कोई। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये अपने आप को जरूरत के हिसाब से बदलता है, यही इसकी खास बात है। नोटोरियस है, बदमाश है, चालाक है, ये जरूरत के हिसाब से बदलेगा। 1 न्यूटन इसको रोकने के लिए जरूरत 1 न्यूटन की होगी तो 1 न्यूटन लगेगा, 10 की होगी तो 10 लगेगा, 50 की होगी तो 50 लगेगा। अब मान लीजिए कि बढ़ाते 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 हो सकता है कि भाई 500 न्यूटन पे ये चल जाए, कोई ना कोई तो फोर्स होगा ना भाई, एक आदमी नहीं मतलब 50 आदमी लग जाएंगे। तो मान लीजिए कि 500 न्यूटन पे ये चल जाए, तो 500 न्यूटन पे अगर ये चल गया तो जैसे ही ये चलेगा, जैसे ही मान लो 500 न्यूटन आपने लगाया तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा, और ये मान लो चल पड़ा तो जैसे ही चलेगा फिर उसके बाद इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन के बजाय काइनेटिक लगने लगेगा, और काइनेटिक की वैल्यू स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है। तो जैसे इस चट्टान को चलाना तो बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन एक बार चल पड़ी, एक बार मान लो ये चट्टान चल पड़ी तो फिर आसानी से आप इसको चला सकते हो, क्योंकि काइनेटिक की वैल्यू जो होती है स्टैटिक के मैक्सिमम से कम होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको गाइड करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन के सवालों में, हमेशा आपके साथ जो बात रहेगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ही चालाक नोटोरियस टाइप का फोर्स होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और ये दोनों सर्फेसेस को साथ रखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही लगता है, जरूरत के हिसाब से लगता है, यही इसकी होशियारी है। ठीक है, तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में लिखने जा रहा हूं, इट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में लिख रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट एक्ट्स पर द रिक्वायरमेंट, इट एक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट टू कीप द सर्फेसेस मूविंग टूगेदर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को जरूरत के हिसाब से बदल लेता है, चालाक टाइप का फोर्स होता है, और जितनी जरूरत होती है ना दोनों सर्फेसेस को एक साथ रखने के लिए, इसका ये नहीं चाहता कि ये चल जाए, ये चाहता है दोनों सर्फेसेस को साथ रखना। अब जितना इसकी ताकत रहेगी उतना ये लगेगा दोनों सर्फेस को साथ रखने के लिए। अब भाई उस बहुत ज्यादा लगा दोगे तो चल ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों को साथ रखने के लिए जितने की जरूरत होगी उतना ही लगेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात ये होती है, इसकी विशेष बात होती है। अब मैं एक विशेष प्रकार का ग्राफ बनाने जा रहा हूं जिसकी मदद से हम स्टैटिक फ्रिक्शन को और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए कि ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने कैपिटल एफ फोर्स लगाया और पीछे की तरफ स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स उसके हिसाब से लग रहा है। अभी ये ब्लॉक चल नहीं रहा है। अगर मैं जो कैपिटल एफ है और फ्रिक्शन इनके बीच का ग्राफ बनाऊं तो देखें भाई जब तक ये चल नहीं पड़ेगा तब तक उस कंडीशन में जो स्मॉल एफ आएगा वो कैपिटल एफ के बराबर आएगा। तो स्मॉल एफ अगर कैपिटल एफ के बराबर है तो ये वाई बराबर एक्स टाइप की लाइन हो जाएगी। तो वाई बराबर एक्स टाइप की लाइन का मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। कैपिटल आप बढ़ाते जाओगे, 10 न्यूटन करोगे भी 10 हो जाएगा, 20 करोगे भी 20 हो जाएगा, 15 करोगे 15 हो जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। करते करते एक ऐसा मौका आता है जब ये चल पड़ता है, और जब चल पड़ता है तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मान लो यहां पर ये चल पड़ा, चलने के बाद हल्का सा इसके अंदर एक ऐसे किंक आता है, जैसे ऊंट की पीठ पे नहीं होता है, ठीक है, हल्का सा एक किंक आता है, और फिर उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। यहां से यहां तक जो चीज थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेस्ट था, फिर उसके बाद मोशन चालू हो गया। मैं लिख देता हूं, अगर मैंने एक लाइन से जो डैश डैश बनाई है ना, इसके इस तरफ रेस्ट है और इसके इस तरफ मोशन हो गया, ठीक है, और ये जो
आया है, ये हल्का सा वैल्यू कम हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू आती है म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो एक फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू तो आप ध्यान से देखें वो तो हमेशा म्यू के इंटू एन रहेगी। यहाँ म्यू एस जो है वो कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, म्यू के जो है वो कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, और म्यू एस जो है वो कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इसमें म्यू एस इंटू एन है और ये म्यू के इंटू एन के बराबर है। अभी मैं लिखने जा रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम लोग दिखाते कैसे, इसका सिंबल है एफ एस मैक्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वो एफ एस मैक्स है, माने स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग एफ मैक्स या एफ मैक्स या एफ एस मैक्स से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है म्यू एस इंटू एन, जहां पर म्यू एस जो है वो कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है, म्यू के जो था वो कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है, और म्यू एस कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है, जो बड़ी से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो म्यू एस इंटू एन होती है, और ये म्यू के इंटू एन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब जैसे ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, जीरो से म्यू एस इंटू एन के बीच, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही लगती है जितना जरूरी होता है। तो जैसे मान लो आपने एफ कैपिटल एफ जो लगाया जीरो था तो ये भी जीरो हो जाएगा। मान लो ये आपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा लगाया फोर्स, जो ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम का आधा है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये भी मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके और जीरो के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रहती है, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जीरो से म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक से थोड़ा ज्यादा होती है। स्टैटिक देखिए बदल रहा है, स्टैटिक के अंदर विशेष बात यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बदलता जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू के इंटू एन रहेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगातार बदलती जाएगी। तो जैसे अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा, अभी एक नया टर्म आ रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कॉन्टैक्ट में आना, जैसे मैं इसके कॉन्टैक्ट में आ गया, मेरे दोनों हाथ कॉन्टैक्ट में आ गए, ठीक है, किसी को मैंने हग किया तो हम लोग कॉन्टैक्ट में आए। तो कॉन्टैक्ट का मतलब यही होता है कि संपर्क में आ जाना। तो कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्सेज लगते हैं उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस से कॉन्टैक्ट की वजह से ही इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और उसी वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रहा है। अगर मान लो ये हवा में होता, थोड़ा सा ऐसे ऊपर हवा में होता, तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लगता, क्या नहीं लगता। तो फ्रिक्शन या नॉर्मल ये दोनों कॉन्टैक्ट की वजह से ही जा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग जैसे दिखाते हैं आर से, और कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि सरफेस, कोई भी सरफेस जो होता है वो ब्लॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट की वजह से, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट की वजह से सरफेस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं इसको द फोर्स बाई द सरफेस ऑन द ब्लॉक, फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक इज
ब्लॉक ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. द फोर्स बाय द सर्फेस ऑन द ब्लॉक ड्यू टू कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. जो सर्फेस है ब्लॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. अब बेसिकली देखें ये जो फ्रिक्शन है और ये जो नॉर्मल है ये दो के दोनों जो है वो कॉन्टैक्ट की वजह से ही लग रहे हैं. तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा. फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट की वजह से है, नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट की वजह से है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, या कॉन्टैक्ट फोर्स जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. ये कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. तो कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वैल्यू हो गई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो गई. एफ की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो. तो आर की कम से कम वैल्यू एन हो जाएगी और एफ की अधिक से अधिक वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू एन. तो ये एन कॉमन हो जाएगा तो एन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा. यानी कॉन्टैक्ट फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो एन के बराबर होगी और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर. ये कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आ जाती है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स आर जो है वो रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाता है. अब इसके अंदर एक और बात आती है, एक टर्म ये लोग यहां पर डिफाइन करते हैं लैम्डा से दिखाते हैं उसको, और उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है फ्रिक्शन एंगल. फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल. फ्रिक्शन एंगल बेसिकली इसको लेमडा से दिखाया है. और अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे आप? मान लो आपसे कहा जाए कि फ्रिक्शन एंगल डिफाइन करो तो कैसे करोगे आप? मन में सोचो कैसे डिफाइन करोगे. कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंगल. तो जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल फ्रिक्शन एंगल है. तो मैं लिख देता हूं इसको, द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लीजिए ध्यान से, सुनते रहिए, द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड, द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंगल. ठीक है, अब इसको हम लोग देखें अगर, तो जैसे ये लैम्डा है तो ये एफ हो गया, ये एन हो गया. तो टैन लैम्डा जो आएगा, टैन लैम्डा ये बेसिकली किसके बराबर जाएगा? ये अगर आप यहां से देखें इस ट्रायंगल में तो टैन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये एफ बाई एन हो जाएगा. टैन लैम्डा एफ बाई एन के बराबर जाएगा, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं. ठीक है, टैन लैम्डा एफ बाई एन के बराबर जाएगा, या एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू हो जाएगी एन लैम्डा टैन लैम्डा. ठीक है, अब इसमें एफ फ्रिक्शन फोर्स जीरो से म्यू एन के बीच कुछ भी हो सकता है. तो अगर एफ जीरो है तो लैम्डा भी जीरो होगा. और एफ मान लो, यही जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना इसको, अगर एफ म्यू एन के बराबर है तो एन से एन कट जाएगा तो लैम्डा टैन इनवर्स म्यू हो जाएगा. तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जीरो लेस देन और इक्वल टू लैम्डा लेस देन और इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू. नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूं ना, एक बार एफ जीरो कर दो, जब एफ जीरो कर दोगे तो टैन लैम्डा जीरो हो गया तो लैम्डा जीरो हो गया. एक बार एफ जो है मैक्सिमम एफ कितना हो सकता है? अधिक से अधिक म्यू एन हो सकता है. तो आप यहां पे एफ को म्यू एन कर दोगे, म्यू एन कर दिया आपने एफ को, एन से एन कट गया तो म्यू इज इक्वल टू टैन लैम्डा आ गया, तो लैम्डा टैन इनवर्स म्यू के बराबर आ गया. तो मतलब जो फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू होती है वो जीरो से टैन इनवर्स म्यू होती है. एक बात और बता दूं आपको, अगर आपसे कुछ नहीं बोला है तो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम मानना है आपको. कुछ नहीं बोला है तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू आपको सेम मान लेनी है. तो जीरो लेस देन और इक्वल टू लैम्डा लेस देन और इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, ये वैल्यू आ जाती है. इसी तरह से आर की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगी. तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. उल्टे तरीके से भी बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स का सरफेस के अलॉन्ग कंपोनेंट फ्रिक्शन कहा जाता है, और नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का वो नॉर्मल कहा जाता है. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है. समझने के लिए हम इस तरह से भी बोल सकते हैं.
लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स का सरफेस के लॉन्ग कंपोनेंट जो है दैट इज फ्रिक्शन, और कॉन्टैक्ट फोर्स का सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल हो जाता है। बोलने का तरीका है, हम जिस तरह से बोलना चाहें उस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एक इसके अंदर और कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज, जो कि फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ है और भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल आता है। नाम एंगल ऑफ रिपोज बड़ा खतरनाक टाइप का लगता है कि एंगल ऑफ रिपोज ऐसे कर कुछ खतरनाक टाइप का है। बड़ी सिंपल सी चीज, क्या चीज है मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइन पेन है, जो डायरी आपको दिख रही है 2020 की, ये एक इंक्लाइन पेन है मान लीजिए, ठीक है, और हम इसके ऊपर एक ऐसे डस्टर रख देते हैं। अब उसके बाद अगर हम इसको ऐसे मतलब डस्टर या एक ब्लॉक रख दिया और उसके बाद हम इसे इंक्लाइन पेन का एंगल बढ़ाते जाएं तो कोई एक एंगल आएगा जिस पे ये फिसल पड़ेगा, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। देखिए एंगल में धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूं, एक एंगल आएगा जिस पे ये फिसल जाएगा, ठीक है, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। देखिए इस तरफ करके करेंगे तो कम एंगल होगा कि ज्यादा, बढ़ जाएगा देखना, क्योंकि उधर फ्रिक्शन ज्यादा है। ऐसे करेंगे ये तो अभी फिसल गया। तो एक ऐसा एंगल होता है, अगर हम इंक्लाइन पेन का एंगल बढ़ाते जाएं तो ब्लॉक जो है एक ऐसे एंगल पर जस्ट स्लिप करने लगता है, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूं द एंगल ऑफ इंक्लाइन फॉर विच the angle of incline for which the block just angle of incline for which the block just starts slipping is called angle of repose. एंगल ऑफ इंक्लाइन फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इंक्लाइन पेन का वो एंगल जिसके लिए ब्लॉक बस फिसलना शुरू ही कर देता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जैसे सपोज करो ये इंक्लाइन पेन है, ये आपका थीटा है और ये ब्लॉक मैंने रख दिया। तो अगर ब्लॉक का जैसे mg लग रहा है तो मैं इसके अगर कंपोनेंट करूंगा तो एक तो कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा और एक इधर आएगा mg कॉस थीटा, यहां जाएगा, और एक इधर आ जाएगा म्यू एन और एक इधर आ जाएगा एन, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये जस्ट फिसलना स्टार्ट करेगा तो नीचे की तरफ एमजी साइन थीटा लग रहा है, ऊपर की तरफ म्यू एन लग रहा है, तो एमजी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा। एमजी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा और एमजी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू और एन की जगह कितना आ जाएगा एमजी कॉस थीटा। mg sin theta is equal to mu mg cos theta, mg से mg चला जाएगा तो mu is equal to क्या हो जाएगा tan theta। तो angle of repose अगर आपको निकालना है तो angle of repose जो है mu वो tan theta के बराबर होगा। वैसे सवाल अभी तक आज तक इस पे कोई नहीं आया angle of repose पे, लेकिन एक बात ये है कि भाई आपको एक थोड़ा सा फील आ जाती है, जैसे किसी का एंगल ऑफ रिपोज, किसी इंक्लाइन पेन का एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री दे दिया गया, तो 30 डिग्री दिया गया इसका मतलब कि आप इंक्लाइन पेन का एंगल 30 से बड़ा करोगे तो फिसल जाएगा, ठीक है, और 30 से कम रहेगा तो नहीं फिसलेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज एक फील दे देता है कि एंगल ऑफ रिपोज जो है 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, मान लिया 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तक आप इसको ले जाते हो, उसके बाद फिर ये फिसलना चालू करेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कब कोई भी चीज जो है वो फिसलना स्टार्ट करेगी। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट रहा। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो थ्योरी थी वो यही थी कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है नटोरियस होता है, चालाक होता है, बदमाश टाइप का फ्रिक्शन होता है। इसकी वैल्यू जीरो से म्यूएन के बीच कुछ भी हो सकती है, कम से कम वैल्यू इसकी जीरो होगी, अधिक से अधिक वैल्यू इसकी म्यूएन के बराबर हो जाएगी। और ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसकी वैल्यू जीरो से म्यूएन के बीच कुछ भी हो सकती है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट होता है, और एंगल ऑफ रिपोज जो है टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है।